उमंग भरी उम्र है तुम्हारी, पूरे आलम पर फतह करने की, ख्वाब देखने की उम्र है। मैं भी जब पहली मर्तबा दौलताबाद आई थी तब 21 बरस की थी, इस किले की तामीर में लगी थी। एक रात मैं अकेली इसी जगह पुराने किले के बुर्ज पर खड़ी थी। करीब ही मशाल जी के हाथ में मशाल अपने सुनहरे पंखों को फड़फड़ा रही थी। किले का एक आधा बना गुंबद आसमान को अपने सीने में समा लेने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त यकायक कुछ हो गया, कोया किसी ने जादू कर दिया हो। मैं, मशाल, आसमान, किला सब पिघल गए। बाहर की तारीखी मेरे रगों में रच रही थी, चमकते तारों की टिमटिमाहट मेरे नब्ज में धड़क रही थी। लम्हे का दायरा टूट गया था, तमाम सवाल जवाब खामोश थे। मैं मिट्टी बनी हुई थी, शमशा बनी हुई थी, धुआं था, आसमान था। उसी वक्त दूर खड़े किसी पहरेदार ने आवाज दी, होशियार। मैं होश में आ गई। अजली मशाल, हद बना गुंबद सब जुदा हो गए। सिपाही, ये मत सोचो कि तुम्हारी नौजवानी से मैं रश करती हूँ। जूझने के लिए बहुत जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। मुझे देखो, मुद्दत बाद फिर यहाँ आई हूँ, उसी खोई हुई रात की तलाश में निकली हूँ। मुझे दौलताबाद आए 4 साल हो गए। इसी दौरान यहाँ आकर मैंने क्या देखा, क्या पाया? किले के आगे ऊंचा खड़ा ये बीहड़ जंगल, क्या सुना? जंगली सियारों की हूल, शहर के कुत्तों का शोर। 30 साल और गुजर जाए तो उस वक्त तुम मेरे बराबर के रहोगे, और उस वक्त मैं इस जंगल के नीचे दफन रहूंगी। उस वक्त क्या तुम मुझे याद करो? खामोश क्यों हो?